हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी कोताही क्या है? हम अल्लाह के साथ ऐसा रिश्ता बनाते हैं, इतना छोटा रिश्ता बनाते हैं अल्लाह के साथ, जैसा हम अपने अपने साथ या अपना किसी के साथ बना रहे होते हैं। उतना ही छोटा रिश्ता होता है हमारा, उतना ही छोटा कनेक्शन होता है, उतना ही ताल्लुक छोटा होता है अल्लाह के साथ, दो रुपए वाला। अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाहुम्मा ला उहसी सनान अलैक, हम अल्लाह को गिने अल्लाह को, हम कितनी उसकी रहमत, हम उसकी कितनी तस्बीह बयान करें, कितनी बयान करें, हमारे पता है नंबर्स खत्म हो जाएंगे, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस, चले पाकिस्तानी रुपीस तो ट्रिलियंस डॉलर्स, मतलब आपके डिजिट्स खत्म हो जाएंगे। अल्लाह की जो जात है ना, उसका जो हक है वो खत्म नहीं हो सकता। तो उसका बड़ा बेहतरीन फार्मूला अल्लाह ताला ने, ये वो उसूल है जो हम नहीं कर रहे होते। अल्लाह के रसूल ने उसूल क्या बयान किया, अल्लाहुम्म ला उहसी सनान अलैक, कितनी गहरी बात कर दी अल्लाह के रसूल, या अल्लाह मैं तेरी हमदो सना, तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई, या अल्लाह मैं उसको शुमार ही नहीं कर सकता, अंत तक कमास नहीं ताला नफ्स, या अल्लाह तू उतना अच्छा जैसे तूने अपने आप को खुद अच्छा कहा, जितना तूने अपने आप को, तू उतना अच्छा, मतलब अल्लाह को उतना ही बड़ा कंसिडर किया जितना अल्लाह अपने आप को खुद कंसिडर कराता है। अल्लाह कुरान में जहाँ भी कहता है ना, अल्लाह ने हमें लिमिटेड इल्म दिया, वमा उतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला, लिमिटेड नॉलेज दिया अल्लाह ताला ने हमें, हर जगह अल्लाह ताला जहाँ भी मारफत की, इल्म की, नॉलेज की, इन सब चीजों की बात कर, अल्लाह कहता है मैंने लिमिटेड दिया, ज्यादा दिया ही नहीं, तुम है ही नहीं, तुम्हारे लेवल और कैलिबर ही नहीं है। तो लिमिटेड नॉलेज से हमने एक इतनी बड़ी जात की तस्बीह बयान करनी है, उसकी हम बयान करनी है, कैसे करें? अल्लाह के रसूल का फॉर्मूला। तो इस तरह के कनेक्शन डेवलप करते हैं। अल्लाह कहते हैं अना आइंदा आप जन्नी, मैं बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, अच्छा गुमान रखे, हुस्ने ज़न कहते हैं इसको, अच्छा सोचे अल्लाह के बारे में, अल्लाह अच्छा करेगा, मर्सी ले अल्लाह ताला की, रहमत ले अल्लाह ताला की, मर्सी ले, जिंदगी आसान करें। हमें अपनी जिंदगी मुश्किल बनाने की ना आदत है। एक तो हमने अलिफ लैला की कहानियां पढ़ी हैं फजूल किस्म की, दूसरी हमने पता नहीं कौन सी और कहानियां पढ़ी हैं जिसमें हमारे पास जो हमारा जो वर्जन है ना वो बड़ा डिफिकल्ट है। हमारा जो अल्लाह ताला ने हमें वर्जन दिया है ना वो बड़ा आसान है। अल्लाह कहता है तुम मेरे साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, मेरे साथ ताल्लुक बनाओ, नंबर वन, नंबर टू मेरे साथ अच्छा सोचो, ये कायदा कुलिया बता दिया, मैं वैसा ही करूंगा। तुम अपने सारे करतूतों के बाद ये सोचो यार अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा, तुम नहीं सोच रहे अपनी नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की वजह से, दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट अल्लाह। अल्लाह कहता है मैं बिज़ल्लाह मिले लबी, मैं ना अपने बंदों के ऊपर मैं जुल्म करने वाला नहीं, इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लाह मिले, अल्लाह कहता है मैं जुल्म करने वाला नहीं, इन्नल्लाह, जुल्म को इतना अल्लाह ने निगेट किया है, डिमीन किया है, उसकी तकलील की है कि उसको दुनिया की सबसे माइन्यूट टाइनी छोटी कोई चीज हो सकती थी ना, कोई छोटा यूनिट हो सकता था, अगर अल्लाह ने उसके साथ नफी कराई है, इन्नल्लाह ला यज़िमु मिस्क़ाला ज़र्रा, कि मैं एक छोटा सा जो जर्रा है ना, मतलब एटम को भी तोड़े अगर तो उसके अंदर भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, मतलब उसको भी आप एक ले रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं उसके बराबर भी जुल्म नहीं करता मैं। तो अगर हमारी जिंदगियां आज मुश्किल है, हमारी जिंदगी आज मुश्किल इस वजह से हमने अपने ऊपर खुद इतनी आफतें बलाएं आजमाइशें तकलीफें डाली हैं। अल्लाह तो मर्सी वाला था, अल्लाह तो रहम वाला था, अल्लाह बहुत मर्सी वाला है, अभी भी है,